नमस्कार केकेन अल्फाज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं ईश्वरजीत और मैं सौरभ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन पंक्तियों के साथ। स्वागत है। मुझे भी सफलता पानी है हम उनसे कह गए, मुझे भी सफलता पानी है उनसे कह गए, पर सारी की सारी उम्मीदें आंसू में बह गए, पर सारी की सारी उम्मीदें आंसू में बह गए, आंखें बंद हुई तो सब कुछ बदल गए, आंखें बंद हुई तो सब कुछ बदल गए, वो मंजिल पार कर गए और हम किनारे पे रह गए, वो मंजिल पार कर गए और हम किनारे पे रह गए। वैसे आजकल गांव में नदी तो सूखी हुई है तो पार कैसे लगे, मैं कविता के माध्यम से बताता हूँ। स्वागत है। मेरे गांवों के गलियों को क्या हो गया, मेरे गांवों के छावों को क्या हो गया, जहां पिट कर भी हम तो नहाते रहे, जहां पिट कर भी हम तो नहाते रहे। याद होगा आपको जब बाढ़ आती थी, नदी में पानी होती थी तो हम नहाते जाते थे और पिटते भी थे घर वालों से। तब मैं पढ़ता हूँ, जहाँ पिट कर भी हम तो नहाते रहे, उस नदियों के पानी को क्या हो गया, मेरे गांवों के नदियों को क्या हो गया। अब तो वो नदियां धूल से भरी हुई है, जब हम लोग जाते हैं तो पता चलता है धूल से हम लोग ढक जाते हैं। जितने में गाँव में दूध मिलता है यहाँ पानी की बोतल आती है, जितने में गाँव में दूध मिलता है यहाँ पानी की बोतल आती है, जो फल हम फेंक देते हैं यहाँ ये सौ की आती है, जो फल हम फेंक देते हैं यहाँ वो सौ की आती है, बस इतना सा ही फर्क है गांवों और शहरों में, बस इतना सा ही फर्क है गांवों और शहरों में, शहर जब आ गए अब हम गांव की याद आती है, शहर जब आ गए अब हम तो गांव की याद आती है। बहुत बढ़िया। उन किसानों के जीवन में गम क्यों लिखे, उन किसानों के जीवन में गम क्यों लिखे। आप कहते थे ना मोहब्बत पे लिखते हैं, कुछ किसान पे लिखने की कोशिश। नहीं, बहुत अच्छा, सुनिएगा। उन किसानों के जीवन में गम क्यों, मोहब्बत करते हैं वो अपने फसलों से, तब अगर उनको गम मिलता है तो ये कविता मैं लिखता हूँ। उन किसानों के जीवन में गम क्यों लिखे, उनकी मेहनत हमेशा ही कम क्यों दिखे, कभी तो उन्हें भी खुशियां मिले, अपनी किस्मत पे वो ही क्यों रोते रहे, अपनी किस्मत पे वो ही क्यों रोते रहे। सरकार ने की थी घोषणा हम सब इंतजार में बैठे हैं, सरकार ने की थी घोषणा हम सब इंतजार में बैठे हैं, ग्रेजुएट कर कर के भी हम सब बेकार बैठे हैं, ग्रेजुएट कर कर के भी हम सब बेकार बैठे हैं, अगर आप कहते हैं चाय बेचना रोजगार है, अगर आप कहते हैं चाय बेचना रोजगार है, तो हम पकौड़े के ठेले का अब जुगाड़ करते हैं, तो अब हम पकौड़े के ठेले का जुगाड़ करते हैं। बहुत बढ़िया। उस मौसम सुहाने को क्या हो गया, उस बादल के खुशियों को क्या हो गया, जिसके आने से ही सब नया सा दिखे, जिसके आने से ही सब नया सा दिखे, उस सुहावन से सावन को क्या हो गया, उस सुहावन से सावन को क्या हो गया। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगे। कार्यक्रम अच्छा लगेगा तो लाइक करें, कमेंट करें। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
हैं।